ये देखो ये कितने बड़े बड़े ग्रुप है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों ये सामने जो है ये उमरा गेट की मीनार है, मैं मौजूद हूँ मताफ के लास्ट फ्लोर पे, सब जगहों पे काम जारी है। अच्छा दोस्तों एक बात आप लोग याद रखें, यहाँ झंडा वगैरह कोई भी लोड नहीं है अपने मुल्क का, जो झंडा लेके आते या बैनर वगैरह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। दोस्तों मैं हूँ काशिफ नूर और मैं यहाँ मक्का हरम शरीफ में काम करता हूँ। आज जुमरात वाला दिन है, मैं आप लोगों को पूरे मस्जिदुल हरम की ज़ियारतें करवाऊँगा, मेरे साथ ही रहिए वीडियो एंड तक। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, अभी हम आ रहे ड्यूटी पे, ये सब लोग जा रहे ड्यूटी पे। माशाल्लाह ये सामने मक्का क्लॉक टावर है, 6:10 का टाइम है। सुभान अल्लाह ये सामने जो बिल्डिंग है ये पूरा सफा मरवा का बिल्डिंग है, ये गुम्बद सा जो नज़र आ रहा है, ये पीछे जो मीनार नज़र आ रहा है ये शामिया, इसको बोलते हैं न्यू मस्जिदुल हरम बन गया। ये इस साइड भी काम जारी है, ये नया पुल बन रहा है सफा मरवा के लिए, लोग डायरेक्ट आएगा सफा मरवा में, रोड से डायरेक्ट सफा मरवा में एंट्री करेगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह दोस्तों ये जो लोग उमरे पे आए वापस जा रहे हैं। सुभान अल्लाह दोस्तों बहुत खूबसूरत मंजर है। दोस्तों ये सामने जो दो अखेरी खिड़कियाँ नज़र आ रही है, ये वो खिड़की जो एक बूढ़ी औरत हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंकती थी, और ये घर के नौकर पे थोड़ा सा पहाड़ चौड़ा हुआ है, ये वो वाला पहाड़ है जहाँ पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा होकर चांद के दो टुकड़े किए थे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह दोस्तों जो लोग उम्रे पे आए वो वापस जा रहे, सुबह का नमाज़ पढ़ के इबादत करके जा रहे, अभी आराम करने के फिर ज़ोर की नमाज़ के लिए आएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह दोस्तों ये खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। पहले भी मैंने बताया दोस्तों, वो सामने अकेले जो दो गेट किया है, और ये वो पहाड़ था, और ये सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाय पैदाइश है, और वो सामने जो दो टनल है यहाँ से लोग मीना अरफात मुज़दलिफ़ा जाते अजीज़िया की तरफ भी किया हुआ है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह दोस्तों ये अभी किताबों का लाइब्रेरी है, इस्लामी किताबें है यहाँ। माशाल्लाह ये सामने मोहम्मद जैन का बसों का स्टैंड भी है। माशाल्लाह दोस्तों सवा छः बजे का टाइम है। सुभान अल्लाह दोस्तों ये सामने जो दो खिड़कियाँ के लिए इसी के बारे में पहले बताया, और यहाँ से आप लोग अब जेल के जो टॉयलेट है यहाँ से आप लोग एंटर हो सकते हैं, ये सामने जो लोग अंदर जा रहे हैं। दोस्तों ये सामने जो है ये उमरा गेट की मीनार है, मैं मौजूद हूँ मताफ के लास्ट फ्लोर पे, सब जगहों पे काम जारी है। ये सामने फतेह गेट की मीनार है, ये इस साइड जो है ये सफा मरवा वाला लास्ट फ्लोर है, ये सब क्रेन यहाँ पे लगे हुए काम कर रहे हैं। माशाल्लाह ये छत खोला था हज के लिए और रमज़ान के लिए, अभी दोबारा इसमें मरम्मत स्टार्ट है, ये फिनिश कर दिया था हमने, तैयार किया था हज और रमज़ान के लिए। यहाँ लोग ऊपर भी तवाफ करते थे, नमाज के लिए भी आते थे, मेरे पुराने वीडियो पड़े आप लोग देख सकते। अभी फिर इसमें काम स्टार्ट हो गया, काम बहुत तेज़ी से जारी है। माशाल्लाह ये यहाँ पर हमारे आदमी काम कर रहे, रेत हल्दा बना रहे, मसाला हम मार्बल का काम करते। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, मताफ का जो फर्स्ट फ्लोर है। सुभान अल्लाह ये खूबसूरत नज़र आप लोग लाइव देख रहे, काबा लाइव देख रहे हैं। जुमरात वाला दिन है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जुमरात के दिन हरम पाक में बहुत रौनक होते हैं दोस्तों, और आज बहुत बड़े बड़े ग्रुप आए उमरा करने के लिए। सुभान अल्लाह दोस्तों ये देखो कुछ यहाँ पे नफल पड़ रहे, ये एक ग्रुप यहाँ पे नफल पढ़ के अभी सफा मरवा की तैयारी कर रहे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह दोस्तों मैं आप लोग को एक अमल बताने जा रहा हूँ, जो शख्स फ़र्ज नमाज के बाद एक दफ़ा आयत कुर्सी पढ़ता है हर फ़र्ज नमाज के बाद, इस शख्स के दरमियान और जन्नत के दरमियान फासला सिर्फ मौत है दोस्तों। तो इतना अजीम सवाब है इसका, इतना अजीम इनाम मिलता है इस पर, तो जिसको आते हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ा करे इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। सुभान अल्लाह दोस्तों ये खूबसूरत मंजर लाइफ आप लोग देख रहे,
बहुत खूबसूरत मंज़र है दोस्तों। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को नसीब करे, आमीन। ये देखो दोस्तों ये ग्रुप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये ऊपर से दोस्तों, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये नज़ारा अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को नसीब करे अपनी आंखों से। सही है दोस्तों, अभी मैं ग्राउंड फ्लोर से दिखाऊंगा। माशाल्लाह दोस्तों अभी मैं आया हूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, सुभान अल्लाह ज़ियारत करे। ये खूबसूरत नज़ारा आप लोग लाइव देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। जुमरात का दिन है, हरम पाक में बहुत रौनक है। मैंने कल भी बताया था कि जुमरात के दिन हरम पाक में बहुत रौनक होते हैं। सुभान अल्लाह दोस्तों ये खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम मोमिन मुसलमानों को यहाँ आने की तौफीक अता करे। माशाल्लाह दोस्तों बहुत रौनक है आज हरम पाक में। ऊपर से ये और भी खूबसूरत लग रहे जैसे पहले मैंने बताया आप लोगों को, सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं आप लोगों को नीचे से दिखाऊंगा सैन से, माशाल्लाह सुभान अल्लाह दोस्तों ये खूबसूरत नज़ारा आप लोग लाइव देख रहे हैं। तवाफ जारी है माशाल्लाह दोस्तों। आजकल बहुत बहुत बड़े ग्रुप उमरा करने के लिए आते हैं, हर कोई अपना निशान लगा के आते ताकि गुम ना हो जाए, क्योंकि बहुत रौनक है आजकल, सुभान अल्लाह दोस्तों। अभी मैं सैन से देख, माशाल्लाह दोस्तों अभी मैं नीचे आया हूँ काबी के पास सैन में, सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारे है। आप लोग काबा लाइव देख रहे माशाल्लाह, ये सामने मक्का क्लॉक टावर है, सुभान अल्लाह दोस्तों बहुत खूबसूरत मंजर है। अच्छा दोस्तों एक बात आप लोग याद रखें, यहाँ झंडा वगैरह कोई भी अलाउड नहीं है। अपने मुल्क का जो झंडा लेके आते या बैनर वगैरह उस पर यहाँ आदमी को पकड़ते। कल भी आदमी को पकड़ा था, लेकिन उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था। मैं सोच रहा था कि मैं आज की वीडियो में एडिट कर दूँ, लेकिन बाद में फिर मुझे मौका नहीं मिला। तो ये चीज़ें ना लाया करें साथ, मुल्क का झंडा हो गया या बैनर वगैरह, ये चीज़ यहाँ पर ममनू है, क्योंकि लोग तस्वीर निकालते उसके साथ फिर यहाँ के जो पुलिस है उनको पकड़ते हैं। तो यह बात है लाजिम याद रखना। तो सही है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।